स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। प्लीज ब्रदर, मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं। इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए, नहीं गलत गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने पानी सर प्लीज, जैसे मैंने प्लीज ब्रदर ब्रदर प्लीज भाई पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज आपने मुझे बोलने को आमंत्रित किया है, और अगर सदन विशेषतः विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। इंडिया बिलीव इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी। And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British, quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. Merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की, और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की, अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताएं कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया
बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंट, यू आर नॉट इंडिया। कहती हूँ अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन ना पाए हो, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है, पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूँ हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत माँ की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर माँ की हत्या के लिए मेज थपथपाई है।